अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान और आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मशरकी वस्ता से। नाज़रीन, जब सऊदीया से पाकिस्तानी आर्मी चीफ वापस आए तो उसके बाद सऊदी वजीर खारजा ने बयान दिया कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक के वो फलस्तीनियों को उनका हक ना दे दें, और इसराइल को सऊदी अरब तब तक तस्लीम नहीं करेगा कि जब तक एक हदबंदी और अमन इसराइल के साथ फलस्तीन का नहीं कायम हो जाता। इसके बाद ये इतना ही काफी नहीं था कि ये दुश्मन के लिए मौत का सबब बनता, बल्कि कवैत ने भी इसी बात की हामी भर दी। कवैत ने भी दलेराना मुजाहरा करते हुए कहा कि कवैत कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, और अगर किया भी तो करने वाला दुनिया का आखिरी मुल्क होगा। नाज़रीन, कवैत का कहना था कि कवैत के भी बिल्कुल वही ख्यालात हैं जो के हमारे दूसरे मुस्लिम ममालिक, जब तक इसराइली हुकूमत फलस्तीनियों पर मुजालिम बंद नहीं कर देती तब तक इनको तस्लीम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको लगी होगी इन्फॉर्मेटिव। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।